इटावा जिले से फरार चल रहे गैंगस्टर भाजपा नेता रघुवीर तिवारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति प्रशासन ने की जब्त। जब्त की गई चल अचल संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ रुपए से अधिक है। गैंगस्टर भाजपा नेता रघुवीर तिवारी समेत तीनों भाई 60 से अधिक आपराधिक मुकदमों में नामजद हैं। तीनों भाइयों में भाजपा नेता रघुवीर तिवारी और रामवीर तिवारी फरार हैं, जबकि श्यामवीर तिवारी को पुलिस जेल भेज चुकी है। एक वर्ष पुराने अपहरण कर हत्या के मामले में फरार चल रहा भाजपा नेता रघुवीर तिवारी, जिलाधिकारी के निर्देशन पर पुलिस और प्रशासन ने की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई। थाना सिविल लाइन्स में तीन भाई हैं, श्यामवीर, रामवीर और रघुवीर। इन तीनों पे 2016 के मुकदमे थे जिसमें गैंगस्टर लगा था। इसमें 14(1) के अंतर्गत इनकी जो चल और अचल संपत्ति है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जो मुख्य रूप से है तीनों भाइयों पे दर्जनों मुकदमे हैं। सभी पे लगभग 20 के आसपास, किसी पे 24 है, किसी पे 22 है, तीनों भाइयों पे मुकदमे हैं। इस संबंध में आज जो कार्रवाई की गई है, चार अचल संपत्ति जिसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक की एक दुकान है, एक निर्माणाधीन होटल है, जूस की एक फैक्ट्री है, एक मकान और है, जो ये चारों अचल संपत्ति पे जब्तीकरण की आज कार्रवाई की गई है। साथ ही जो चल संपत्ति है उसमें ट्रक है, कार है, मोटरसाइकिल है और भी वाहन जो हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पूर्व से ही इनके ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था, आज जो कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा की गई है, इससे अभी भी छानबीन की जा रही, अभी कुछ संपत्तियाँ शेष रहेंगे उन पर भी आगे कार्रवाई की।